हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम है एक ट्रक में जो है अशोक लेलैंड के 16-16 तो एक गाड़ी में आज हम बैठे हैं और आज ड्राइवर से बात करेंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे और उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे जिनमें वो हमें बताएंगे कि उनका कैसा लाइफ होता है, कितना दिन गाड़ी चलानी पड़ती है, कैसा उनका लाइफ होता है। तो आप देख सकते हैं ये है गाड़ी लेलैंड की 16-16 और ये है उनके ड्राइवर। आपका नाम बताइए। मोहम्मद। और आप कब से गाड़ी चला रहे हैं? 15 साल हो गए। 15 साल। और ये गाड़ी आप कब से चला रहे हैं? ये गाड़ी चलाएगी 1 साल हो गया। 1 साल मतलब ये गाड़ी अभी 1 साल पहली है या पहले कोई दूसरा चलाता था? दूसरा चलाता था। कितने साल पुरानी है ये गाड़ी? ये 4 साल 5 साल पुरानी। 5 साल पुरानी है। और अभी आप कहाँ से हो ओरिजिनल? हम इधर कर्नाटक से। कर्नाटक से। और ये गाड़ी भी कर्नाटक की है। तो आपका जो ट्रांसपोर्ट होता है, आप सिर्फ गोवा में ही ट्रांसपोर्ट करते हैं? ऑल ओवर इंडिया होता है ट्रांसपोर्ट? ऑल ओवर इंडिया। और बेसिकली इन गाड़ियों में क्या होता है, आपकी गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट किस तरह का सामान होता है? ये सब कुछ, कौन सा फूड कौन सा चाहिए ना, वो माल भर जाता है। कंपनी में आप एक्सपोर्ट कर देते हैं? तो आते समय भी गोवा में सामान आता है और गोवा से भी सामान एक्सपोर्ट होता है? ओके। तो मुझे बताया कि ये जो गाड़ियां होती है आपकी, जो हैवी व्हीकल्स, इनकी माइलेज क्या रहती है? मतलब 1 लीटर डीजल में कितना किलोमीटर चलती है गाड़ी? 1 लीटर डीजल में 3.5-4। हाँ, मतलब कम रहता है, 4 से ऊपर आपको माइलेज नहीं मिलती। ओके। तो आपको डेली डीजल डालना पड़ता है इन गाड़ियों में? डेली डालना पड़ता है। और मुझे बताएं कि आपको छुट्टी वगैरह कब मिलती है? छुट्टी हम करेंगे तो छुट्टी हो जाएगा। अभी आपको ऐसा, मतलब अभी त्योहार होता है, किसी के घर में शादी है कुछ है, तो ऐसा छुट्टी मिलता है ना, तो आपको पहले बताना पड़ता है? तभी आपकी गाड़ी बंद रहती है, आपको गाड़ी पर किसी दूसरे ड्राइवर को एडजस्ट करना पड़ता है? पड़ता है एडजस्ट करना। और आपकी सैलरी क्या होती है? सैलरी है हमारे को 5,000। 5,000 महीना है। और आप बाद में अभी घर वगैरह कब जाते हो? अभी लास्ट बार आप घर कब गए थे? अभी जा गए कि 4 दिन हो गया। 4 दिन। मतलब आपको जब चाहिए तब से छुट्टी मिलती है, लेकिन बार बार नहीं मिलती। मुझे बताया कि गाड़ी आपको कितना घंटा चलाना पड़ता है? हम देखो दिन में हम चलाते 3 से 4 घंटा चलाते हैं। 3 से 4 घंटा। तो अभी मानिए आप सुबह से कितने बजे से गाड़ी चालू होती है आपकी? सुबह 6 बजे से 10 बजे वक्त हम चालू करता है। सुबह 6 बजे से 10 तक। हाँ। बाद में आपको ब्रेक मिल रहा है मिलता और है। बाद में हम सो जाते हैं गाड़ी में। मतलब पूरा दिन आपको गाड़ी नहीं चलानी पड़ती? अभी ट्रांसपोर्टेशन की कुछ गाड़ियां रहती है, उनको पूरा दिन गाड़ी चलानी पड़ती है? पूरा ऐसा कोई थोड़ी ये होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन अभी चाहिए माल बोले तो हम। पिछले वीक हमने एक गाड़ी का इंटरव्यू लिया था, वो ड्राइवर बोल रहा था कि उनको पूरा दिन गाड़ी चलानी पड़ती है, जो अशोक लेलैंड की गाड़ी थी, गुजरात से गोवा जाती थी। पर आपकी गाड़ी में ऐसा नहीं है। और मुझे बताइए, गाड़ियों में अभी पावर स्टीयरिंग वगैरह सब होता है, तो गाड़ी चलाने में कुछ दिक्कत आती है आपको? नहीं नहीं। तो ये छोड़ के आपने और कौन सी गाड़ी आज तक चलाई है ट्रक्स? गाड़ी है ना, कौन से कंपनी का? टाटा की। वो चलाई है। और आइशर की चलाई है आपने गाड़ी? हाँ। बाद में स्वराज मजदा की चलाई है? भारत बेंच आपने चलाई है? तो सभी गाड़ियों में आपको कौन सी गाड़ी चलाने में ज्यादा अच्छी लगती है? ये गाड़ी। ऐसा क्या कुछ खास है ये गाड़ी में जो बाकी गाड़ियों में नहीं है? ये गाड़ी में कैसा है बोले तो अभी चलाने में कुछ दिक्कत नहीं है। वो गाड़ी रोती है बोले तो घाट सेक्शन में गाड़ी वो दबती है। ये आपकी स्मूथ में आ जाती है? स्मूथ में नहीं, ये धड़सी जाती है गाड़ी। ओके। और ये जो भी बड़ी गाड़ी होती है ना, आपको चलाने में कुछ दिक्कत आती है? मतलब भी हमारी कार है तो छोटी सी है, कई बार भी हम मुड़ जाते हैं। हाँ। लेकिन ये आपकी जो बड़ी गाड़ी होती है, आपके टर्न मारने में अगर आपको बहुत सी मतलब देखना पड़ता है तो कुछ नहीं, वो बड़ी गाड़ी होती है ना, वो टर्न में देखना पड़ता है। तो आप अभी कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? 15 साल। तो आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो अभी आप गोवा छोड़ के और कौन कौन सी स्टेट में जा चुके हैं अभी तक? अभी गया है बम्बई, गया है बम्बे, अभी गुजरात गए, गुजरात। तो हर जगह जब गाड़ी जाती है तो आप रोड से चला के ले जाते हैं? आपको ट्रेन पर भी कभी कभी आपकी गाड़ी जाती है? ट्रेन में नहीं गया, पूरा ऐसे ही जाती है। तो अभी ये गाड़ी कहाँ जाएगी? गोवा से कर्नाटक जाएगी और कर्नाटक से फिर गोवा आएगी। तो अभी आपका फिक्स लाइन होता है या आप कहीं पर भी कौन से भी स्टेट में जा सकते हैं? इधर भी जाता है स्टेट। तो आप तो हमारा इधर गुड लेके आता है गुड। तो सामान बेसिकली क्या रहता है? कंपनी का ही सामान रहता है गाड़ियों में? कंपनी का भी रहता है और भाजीपाला भी भरता है, सब कुछ सब रहता है। तो गाड़ी फुल होने के बाद ही ऐसे आती है, आप आधा सामान लोड करके भी आ सकते हैं गाड़ी फुल होने के बाद। और आपकी गाड़ी में क्या कुछ रहता है अभी आप बताइए? स्विचेस कौन से आपकी गाड़ी में अगर हम देखे तो यहाँ पर क्या होता है? टेप रहता है और ये लाइट जो रहता है, ये फैन रहता है। फैन रहता है और ये वाला भी लाइट है। ओके। और यहाँ पर आप सो सकते हैं? हाँ, सकते। तो आप अभी अकेले होते हैं आपके साथ और भी और एक इंसान? और इंसान रहते हैं, लेकिन ड्राइवर बोले तो आप एक ही रहते हैं, मतलब आप अकेले ही गाड़ी चलाते हो, तो दूसरा ड्राइवर अगर नहीं होता। तो अभी ये जो सभी गाड़ी आप देख सकते हैं, सभी गाड़ियों में बेसिकली ऐसा ही रहता है, एक ही ड्राइवर होता है, कुछ गाड़ियों में डबल भी, डबल ड्राइवर रहता है कुछ गाड़ियों में, लेकिन आपकी गाड़ी में तो आप ही अकेले चलाते हो। ओके। और ये गाड़ियों में कुछ एडिशनल ऐसे फीचर्स वगैरह होते हैं जैसे हम गाड़ियों में वगैरह होते हैं? कुछ भी नहीं, खाली गाड़ी ये करने का। और गियर आपका गियर इधर है तो कितना गियर्स होता है? 5 या 6 होता है?
पांच रहता है मतलब पकड़ के छह होता है मतलब नॉर्मल आगे वाले छह और रिवर्स पकड़ के सात ऐसा नहीं होता। आजकल की ज्यादातर गाड़ियों में आपको पता ही रहेगा छह गियर्स होते हैं, तो ये गाड़ी में आपके पांच है। ओके, और यहाँ पर आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह है उसमें सब एडवांस होता है, मतलब सब आपको इजीली दिख जाता है। और ये गाड़ियों में कुछ दिक्कतें आती है आपको, मुझे बताया कि अभी रोड पर हम बहुत सारे गाड़ियां देखते हैं जो बंद पड़ी रहती है, तो बेसिकली क्या रीजन होता है? क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम कभी जाते हैं अरे ये ट्रक बंद पड़ा है, बीच में बंद पड़ जाता है, क्या रीजन होता है? क्या नहीं, वो ट्रक अभी देखो एयर पकड़ता है और कुछ थोड़ा तो भी तकलीफ होता है ना, उसको भी कुछ तो भी होता लेकिन है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आपको सडनली गाड़ी बंद पड़ती है, आपको पहले ही पता चल जाता है कि गाड़ी में दिक्कत है, कुछ तो होने वाला है, सबको फील आता है। होता है, फिर भी कुछ गाड़ियां ऐसे रास्ते पर सडनली ऐसे बीच में बंद पड़ जाती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, फिर क्या करना चाहिए, क्या अभी होने का हो जाता है वो, पर साइड में वगैरह लगाता है, साइड में रहेगा तो साइड में होता है, नहीं तो। और अभी गाड़ी में कुछ खराबी आई तो आप पूरा ठीक कर सकते हैं, आपको मैकेनिक लाना पड़ता है? नहीं, हम कर सकते हैं। और आपको बाद में आपके ओनर को वगैरह बोलना पड़ता है? ओके, तो अभी आपके ओनर के पास और ऐसी गाड़ियां हैं? चार गाड़ियां तो चारों गाड़ियों पर ऐसा ही, मतलब गोवा में ट्रांसपोर्टेशन होता है, पर आपको ये एक ही गाड़ी दी गई है तो आप यही चलाते हैं? ओके, और आपका फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है? अभी आप फैमिली से, अभी आप एक दिन वगैरह आपको छुट्टी मिलते हैं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता फैमिली के साथ, तो आपके घर वालों का वगैरह आपके, मतलब आपका क्या रिएक्शन रहता है, आप टाइम नहीं दे पाते इसलिए? नहीं, अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए ना सब, और फोन पर ही बात होती है, लेकिन आप ज्यादा टाइम मतलब दे नहीं सकते फैमिली को, लेकिन फोन पर बात होती है। किसी की शादी वगैरह है और आपको जाना है तो आप छुट्टी ले सकते हैं? ओके, पर ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है पूरा ऐसा चालू ही रहता है, संडे को भी? संडे को ओपन रहता है, तो जहाँ पर आपकी गाड़ी है वहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आप गोवा कितने साल से आ रहे हैं? गोवा में आए इधर से 5 साल हो गए। 5 साल आ गए, और आपने बॉम्बे में वगैरह चलाई है, तो सभी जगह पर अगर हम देखें तो आपको गाड़ी चलाने में कौन सा स्टेट सही लगता है? मतलब यह रोड कंडीशन देखिए, गोवा के अभी रोड सबको पता है, तो सबसे अच्छा रोड किधर है ऐसा हाईवे बोले तो, जहाँ पर आपको अच्छे से गाड़ी चलाने को मिलती है? गोवा में सही है रोड? गोवा में है थोड़ा बहुत, अभी थोड़ा रोड का कंडीशन खराब है, लेकिन बाकी के स्टेट्स में कैसा है? ऐसा थोड़ी नहीं है, सब गांव में थोड़ा थोड़ा है। और आपकी अभी गाड़ियां जाती है जो सिर्फ कंपनी में जाती है, कुछ प्राइवेट भी, किसी का ट्रांसपोर्ट होता है प्राइवेट भी जाता है, तो जहाँ पर डिलीवरी है वहाँ पर आपको जाना पड़ता है? ओके, सो आपको जो होता है वो हाईवे पर ही जाती है, छोटे रोड्स में भी गाड़ी ले जानी पड़ती है कभी कभी, किधर भी जाना पड़ता है, लेकिन दिक्कत नहीं होती कभी कभी? होता है, फिर क्या करने के, तो आपके पास ये साइड दिखाने के लिए क्लीनर होता है? क्लीनर होता है। ओके, और मुझे बताया कि गाड़ी का सर्विस वगैरह कैसा रहता है? अभी साल में वगैरह करना पड़ता है या कुछ खराबी है तो ये आप गाड़ी का सर्विस कर देते हैं? सर्विस हम क्या करते हैं, किलोमीटर के बाद में हम सर्विस करते हैं। कितने किलोमीटर बाद होती है गाड़ी की सर्विसिंग? हमारा सर्विस क्या है देखो, अभी हमारा मालिक मिस्त्री है, हाँ, ये मालिक, हाँ, ये क्या बोलता है अभी तुम्हारे को दिक्कत नहीं होना है, हाँ, रास्ते में जाके, हाँ, वो क्या करता है अभी वो सर्विस अभी 5,000 किलोमीटर अभी आगे है, वो सर्विस के पहला ही सर्विस कर देता है, पहले रिस्क नहीं लेता, रिस्क नहीं लेता। क्योंकि लास्ट वीक जब हम एक ड्राइवर से मिले थे जो गाड़ी गोवा से गुजरात, गुजरात से गोवा जाती थी, उन्होंने क्या बोला, हर ट्रिप में उनका सर्विसिंग होता है गाड़ी का, क्योंकि गोवा से गुजरात जाती है गाड़ी, फिर 40,000 पर ऑयल चेंज होता है। तो आपका गाड़ी का कब आप ऑयल चेंज करते हो? नहीं, हमारा मालिक ऐसा है 25,000, हाँ, 10,000 सवेरे करेंगे नहीं, हाँ, मतलब रिस्क नहीं लेता, सब पहले करके गाड़ी ठीक रखते हैं। टायर बोले तो टायर अभी मुझे बताइए कि टायर जो होता है आपका, हाँ, तो ग्रिप जाने के बाद आप ग्रिप डालते हो या टायर आपको नया ही डालना पड़ता है? नया टायर, पर कुछ गाड़ियों में आप ग्रिप डाल सकते हैं ना पहले ही टायर को, तो वैसा डालने में क्या आपको लगता है मतलब सही है या नया टायर? नया टायर डालना चाहिए। क्या दिक्कत होती है अगर आपने ग्रिप डाली? रास्ते में क्या हो जाता है, पत्थर लग गया, पंचर हो गया, तो फिर से ग्रिप जाती है, उसके लिए वो क्या करते हैं, हम नया डाल छोड़ते हैं। अभी मुझे बताइए, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, अभी आपकी गाड़ी में जो बहुत सारे लाइट्स होते हैं जो हमें चलते समय दिखाई देते हैं, अभी साइड्स में होते हैं इधर, कुछ गाड़ियों में अभी गाड़ियों में कैसा कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी बंद है और अगर आप लाइट चालू रखो तो हमारी गाड़ियां बैटरी ड्रेन हो जाती है, अभी आधा घंटा वगैरह पकड़ो, तो आपकी गाड़ियों में जहां पर आप खाना खाने के लिए अगर रुकते हो तो आपकी गाड़ियों में ये वाली सब लाइट चालू रहती है, तो आपकी गाड़ी की बैटरी ड्रेन नहीं होगी? दो बैटरी रहता है, हाँ, दो बैटरी में एक बैटरी क्या है लाइट को छोड़ देता है, हाँ ऐसा है, मतलब हमारे कार जैसा नहीं, अभी हमारे कार में कैसा होता है इलेक्ट्रिकल भी एक ही बैटरी पर चलता है गाड़ी पर भी, हाँ। तो अगर मैंने अभी गाड़ी बंद कर दी और आधा घंटा मैंने सब लाइट चालू रखी तो गाड़ी की बैटरी ड्रेन होगी, गाड़ी चालू नहीं होगी, लेकिन आपकी गाड़ी में अलग रहता है, इसलिए जो ज्यादातर बसेस ट्रक्स होता है उनमें लाइट आप चालू रख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं, बैटरी रहता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। और ये अभी बताइए, गाड़ी आपकी चलती है तो आपको कूलेंट पानी वगैरह कब डालना पड़ता है, मतलब कितने समय बाद ये गाड़ियों में डालना पड़ता है? नहीं, हम सर्विसिंग एक ही बार करते हैं, एक ही बार करना पड़ता है, एक बार कूलेंट डालते हैं, एक बार ऑयल भरते हैं, एक बार सब कुछ चेंज करके एक बार चलता होगा ना 30,000-40,000 तब नहीं देखता हूं। अभी मुझे बताया कि ये जो गाड़ियां है इनमें टाटा की भी इस तरह की गाड़ी आती है, हाँ। और लेलैंड की भी आती है, हाँ। कौन सी अच्छी है गाड़ी चलाने में? गाड़ी हमारे को अच्छी लग रही है लेलैंड की। टाटा की क्या कमी है टाटा की गाड़ी में, या फिर क्या अच्छा है इसमें? कमी नहीं है,
बोले तो क्या है वो लोड नहीं लेता है, लोड नहीं लेता, नहीं लेता है एसआई जो मॉडल आता है, मॉडल आता है अभी नया मॉडल क्या का है अभी सिक्स काड़ा है ना वो BS6 नया मॉडल है ना वो अभी ये BS4 वाली है। हाँ BS4 वाली है। ओके तो ये गाड़ियों में बेसिक जो मतलब चलाने के लिए जो ट्रक में होता है वही फीचर्स होता है, एडिशनल कुछ भी नहीं होता गाड़ियों में। ओके तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी में क्या कुछ है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट लेलैंड और आइचर का हम देखे तो वैसा ही होता है ज्यादातर, हमने कदम्बा में अगर हमने देखा होगा दोस्तों इस तरह का ही होता है। और आप देख सकते हैं उनका स्टेयरिंग वगैरह है नॉर्मल साइज का, यहाँ पर रहता है गियर और यहाँ पर इंजन का पार्ट आप खोल सकते हो जब चाहिए तब। ओके यहाँ पर इंजन रहता है और ये गाड़ी जैसे कि आपको पता है दोस्तों वो आप आगे वाली देख सकते हैं डबल टायर वाली ऐसी गाड़ी है। तो ऐसी गाड़ियों में ज्यादातर आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर सोने के लिए भी प्रोविजन होता है। पिछले ब्लॉक में हमने जो अशोक लेलैंड की 11-11 देखी थी उसमें दोस्तों छोटा केबिन था क्योंकि वो गाड़ी छोटी थी, अब ये गाड़ियों में ऑब्वियसली इतना बड़ा केबिन तो होता है क्योंकि ऐसे चाहिए तब सोने को मिलना चाहिए। और यहाँ पर सिलेंडर वगैरह रखता है तो आप खाना वगैरह खुद पकाते हैं, आप खुद पकाते हो मतलब दोपहर को रात को भी? ओके तो इनका दोस्तों इनको खाना भी खुद का बनाना पड़ता है ऐसा है। और ये गाड़ियां देखिए दोस्तों तो इनमें आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फीचर्स जैसे आप अपनी कार्स में एक्सपेक्ट करते हो, कुछ एसी वगैरह मिले, कुछ म्यूजिक प्लेयर तो आप डाल सकते हैं बाद में लेकिन एसी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये गाड़ियां ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलती है तो फीचर्स वगैरह की आप छोड़िए। तो बेसिक देखिए क्या कुछ होता है गाड़ियों में, इस तरह का होता है सब, डैशबोर्ड पैनल होता है देखिए, और ये लाइट्स वगैरह ये जो ट्रेंगल वगैरह होता है उनका लाइट वगैरह सब, और उनका जो नाम होता है गाड़ियों का वो वगैरह सब इधर होता है। और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट पानी के लिए वगैरह जो बेसिक उनके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं जैसे कि उनको खाना बनाना है, उनको और कुछ काम करना है, गाड़ी में कूलेंट पानी डालना है तो उसके लिए क्या कुछ जरूरी है वो सब गाड़ी में होता है। और यहाँ पर आप हाइट वगैरह देख सकते हैं दोस्तों अच्छी खासी हाइट है देखिए, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऊपर से चढ़ के आना पड़ता है गाड़ियों में, हाइट वगैरह होती है। और अंदर का हम काम देखे तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह का कार्विंग वगैरह किया रहता है तो सभी गाड़ियों में ऐसा ही होता है। ओके तो डिजाइन वगैरह होती है, अगर आप कुछ बाकी की गाड़ियां देखो तो डायरेक्ट दोस्तों पत्रा होता है यहाँ पर कुछ वर्क, लेकिन यहाँ पर कुछ डिजाइन वर्क वगैरह होता है तो ये आप ज्यादातर बाहर से देखते ही हो इस तरह का होता है। और ये दरवाजा इस तरह से बंद कर सकते हैं आप देखिए, तो इस तरह से आप खोल भी सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं। तो अभी आप किधर जाओगे, इधर से गाड़ी लेके कर्नाटक ही जाएगी। ओके तो अभी संडे है तो आपको ऑफ है। ओके तो मुझे बताइए कि आपका अभी लाइसेंस वगैरह जो होता है आप एक ही बार लाइसेंस निकालते हो फिर से रिन्यू करते समय ट्रायल मारनी पड़ती है? रिन्यूअल करना पड़ता है, डायरेक्ट रिन्यूअल होता है। मतलब कितने साल तक गाड़ी चला सकते हैं ऐसी कुछ लिमिट होता है एज लिमिट, अभी 60 के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते ऐसा कुछ होता है या जब तक आप सही है तब से गाड़ी चला सकते हैं? जब तक हमारे पास ताकत है ना तब से, मतलब ऐसा कुछ एज नहीं रहता? ओके तो बेसिकली मुझे पता है कि आप कब मतलब आपको कैसे गाड़ी चलाने में आप इसमें कैसे आए? हमारा था हमारी गाड़ी पहले से, हम बचपन से हमारी गाड़ी है हमारे पूरा फैमिली पूरा बचपन में गाड़ी है। इसलिए डैडी भी गाड़ी चलाता है, हमारा भाई भी गाड़ी चलाता है। ओके इसलिए गाड़ी चलाता हूँ। तो इनसे तो हमने मुलाकात कर दी दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ गाड़ी के बारे में बताऊंगा, अभी पीछे जाके हम गाड़ी कितनी लंबी है टायर्स वगैरह ये सब देखेंगे। तो मुझे बताइए अभी दो दो जो लाइट्स होते हैं दोनों लाइट्स एक साथ चलते हैं, एक एक लाइट चलता है, एक चलता है एक हाई बीम और एक लो बीम के लिए? तो बेसिकली जब रात को वगैरह गाड़ी चलती है तो आपको दोनों लाइट्स चालू रखने पड़ते हैं, एक ही लाइट पर आप गाड़ी चला सकते हैं, दोनों लाइट चालू करने पड़ते हैं। और ये जो होता है इसका क्या यूज है मुझे बताइए, जो ट्रायंगल वगैरह लगा रहता है तो ये कैसा है सामने आने वाले से? हाँ रिफ्लेक्ट होता है। ओके और सभी गाड़ियों में इस तरह का किसी की गाड़ी है क्या कुछ ट्रांसपोर्ट है वो लिखा रहता है? ओके तो मुझे बताइए कि अभी जब आपकी गाड़ी यहाँ पर गोवा में आती है तो गोवा में हर जगह पर ऐसा चेकिंग होता है या फिर सिर्फ बॉर्डर पर ही चेकिंग होता है गाड़ी का? अगर हम बॉर्डर चेक होता है तो आपको सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर रखना पड़ता है गाड़ी का और पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी लगता है। ओके तो सभी गाड़ियों में ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है डिजाइन वगैरह? ओके ओके और ये अभी डीजल होती है, डीजल टैंक की कैपेसिटी कितनी रहती है, कितना डीजल आप भर सकते हैं? 2500 का? ओके डीजल जाते पूरा तो इसको लॉक वगैरह होता है? ओके और आपके ये जो दरवाजा होता है ये इतना सा छोटा ही होता है या पूरा भी आप रोल कर सकते हैं? पूरा भी बारिश आता है पूरा बात है और ये छोटा नॉर्मल इसमें आप छोटा करते हैं। ओके तो ये गाड़ियों का पासिंग वगैरह कब होता है? अभी हर साल में आपको पासिंग रिनोवेशन 15 वर्ष को एक बार, तो 15 साल तक आपको रिनोवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अभी ये पेंट, ओके तो मुझे पता है अभी ये जो पेंट वगैरह जो गया है गाड़ी का वो कैसे गया है, ये लग के गया है अपने आप ही जाता है? अपने आप ही जाता है। ओके तो अभी ये सभी गाड़ी ऐसी पैक रहती है तो आपको डायरेक्ट पीछे से ही लोडिंग करनी पड़ती है तो ये आपको ऊपर वाला ये ताड़पत्री कभी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने बोला कि 2500 का डीजल जाता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं गाड़ी की माइलेज कितना, ऑलमोस्ट उन्होंने बोला 3 से 4 किलोमीटर/लीटर की माइलेज आ जाती है। और साइलेंसर वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर है और टायर्स देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको ये
दो ही वाले टायर मिलेंगे। अगर आप ये पीछे वाली गाड़ी देखो तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट दो रोज है टायर की। थोड़ी सी गाड़ी लंबी है, ये गाड़ी थोड़ी सी छोटी है। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से गाड़ी की नंबर प्लेट वगैरह रहती है, यहाँ पर कुछ पेंट वर्क वगैरह होता है और इंडिया इज ग्रेट वगैरह वो सब आप देखते होंगे। ज़्यादातर गाड़ियों में बहुत सारे स्लोगन्स लिखे होते हैं, अशोक लेलैंड ऑब्वियसली जो गाड़ी का ब्रांड है वो भी होता है, और यहाँ पर भी कुछ पेंटिंग वगैरह मिल जाता है। और स्टॉप सिग्नल हॉर्न के ये सब तो आप हैवी व्हीकल्स में ऑब्वियसली देखते रहेंगे। और लाइट्स वगैरह देखिए आप किस तरह के होती है, टाटा में वगैरह जो होती है वो स्क्वायर वाली लाइट्स होती है। ये बाद में आप जब गाड़ी की बॉडी बिल्ड करते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रहता है गाड़ी का ये पीछे वाला हिस्सा, और इस तरह से चेन वगैरह रहती है, हुक्स रहते हैं ताकि ये जब आप लगाते हो गाड़ी पर तो आप बांध सकते हैं। और ये साइड से भी आप देखिए ऑलमोस्ट टायर्स वगैरह नए लग रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर होता है गाड़ी का स्पेयर व्हील इस तरह से, और यहाँ पर रहता है टूल बॉक्स। तो बेसिकली बताए टूल बॉक्स में क्या क्या होता है, तो ये सब आपका इधर रहता है, ओके। और बैटरी इधर रहती है, तो बैटरी को आपका जो ये लकड़ी वाला है इस तरह का ही आता है, मतलब सील पैक नहीं आता कुछ नहीं। मेटल का वगैरह तो ये गाड़ी अब जब आप रखते हैं तो कई बार चोरी होने के वगैरह बैटरी कुछ दिक्कत नहीं है, हमारे गाड़ी को हम सब सावधान रहते हैं, सावधान रहता है, फिर भी इसको लॉक होता है, ओके। तो देखिएगा दोस्तों किस तरह से ये गाड़ी, ये है अशोक लेलैंड का मॉडल 1616। तो आज हमने इस गाड़ी के बारे में आपको बता दिया और इन गाड़ी के ड्राइवर से भी बात की, और हमारी तरफ से आपको धन्यवाद। आपका वीडियो जरूर आएगा, हम बोलेंगे आपको, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।